गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। फ्रेंड्स, अब हो चुका है यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग टाइम मैं हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट वैसे बन चुका है और यहाँ पे बना रही हूँ दोपहर का लंच। दोपहर का लंच में बन रहा है मछली और साथ में चावल भी। यहाँ पर मछली हो चुकी है फ्राई, और यहाँ पर भी मैं इतना सारा फ्राई करने वाली हूँ। तो बस गाइस, चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग में। ब्लॉग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो। और मनीषा जी गई नहाने के लिए, सुबह सोए हुए हैं यानी कि रेस्ट कर रहे हैं अभी वो। गाइस, अभी हम लोग बैठे हुए यहाँ पे खाना पीना मस्त खा के, और अभी तो मैंने काढ़ा चढ़ाया है क्योंकि खांसी मनीषा जी का ठीक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से साथ में गले में खड़ा है। और अभी बस बैठ के हीटर सेक रहे हैं। ठंडी तो वैसे नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है, वो टाइल्स है ना इसमें, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रहा है टाइल्स पे। और खाना बना हुआ था, मछली चावल खा लिए वैसे हम लोग। और भैया नहाने के लिए गए हैं, हेयर कट करवाने के लिए गए थे, अभी आ गए हैं। और अब जा रहे हैं, शायद कहीं घूमने फिरने जाना है, तो आप लोग भैया के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैं, पता है भैया जब यहाँ पे भी रहता तभी मैं ब्लॉगों का देखती हूँ। एक होता है ना, आदत सी बन जाती है और अच्छा भी लगता है। आप कुछ बोलो, मेरा तो अभी काढ़ा वगैरह बना लेंगे, फिर पियेंगे, दवा भी खा लेंगे, यहाँ से निकलेंगे भी। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, अच्छा लगता है वैसे। कल ही थोड़ा जल्दी हम लोग आ गए थे, नहीं तो हर बार हम लोग 12-1 बजे। हाँ, कल पता है 4 घंटे में ही पहुंच गए थे, और हमने पता है इनको बताया था कि हम 10 बजे तक पहुंचेंगे। इसकी वजह से ये बस मतलब खाना भी नहीं बना पाए थे, लेकिन अचानक से सब चीज़ खाना पीना बना के रेडी, मस्त खाना पीना खा के सो गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ मम्मी मांग रही है, नहीं यार मंथली पापा मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। यार मंथली पेमेंट दे दीजिए हमें भी। 1, 2, 3, 4 और अरे थैंक यू बाबू, थैंक यू। शॉपिंग स्टार्ट हो गया बेचारे पापा। 15 रुपये तो यहाँ पापा बोल रहे हैं ये 1500 रुपया खड़ी खर्चा, पापा के पास है खुद 500। तो मैंने दिया था, देखो मेरे पास खत्म। तो मम्मी को यहाँ खुशी हो रही है, कितना झूठ बोलते हैं, सब छिपा छिपा कर रखते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं देते हैं। ये अयांश, ये ना अयांश क्यों पैसा मांग रहा था, ये रह रहा है पापा के साथ इस चीज के लिए 500 इसका। हाँ रह रहा है। मम्मी पापा को भी एक दे दो। अरे नहीं नहीं, पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। बेचारा अयांश, पेमेंट से तो निकालते हैं पेटीएम से, क्या करें, पैसा खर्च हो गया है, क्या कैसे क्या होगा, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। चलो यार, तो मम्मी की तो यार शॉपिंग हो गई, शॉपिंग करने खूब सारा। नहीं भाई गाइस, तो फाइनली अब हो चुका है यहाँ पे नाइट का टाइम, और नाइट के बज चुके हैं 12। पता है आपको, मैं शाम को सो गई थी जब सचिन भैया चले गए, तो फिर मैं सो गई क्योंकि मेरा भी सर्दी जुखाम वही हाल है। तो अभी क्या होता है, जब वहां से आई हूँ तो यहाँ पर ठंडी तो कम, लेकिन तभी मुझे जुखाम हो गया है। मेरी सैलरी और ऋषिका का भी पैसा मिल गया है, मेरा भी मिल गया है, और इनसे हर मंथ मुझे मांगना पड़ता है, दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। तो बोलते क्या भीख मांगती रहती हूँ हर टाइम, मांगता तो होता है वो पति और पत्नी का प्यार की वजह से। मंगा ऐसी, पता है जब मन नहीं लगता है ना हम दोनों लोगों को, तो आपस में ऐसी बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मेरा तो हो गया भाई। तो ऋषा का तो बजट मिल गया है, जेब खर्चा क्या, बस अपना पैसा ही सेव करती, खर्चा नहीं करती, सेव करती। दीदी मेरी
ऐसे अपने वाली दीदी ठीक है इतनी पैसा ये वाली दीदी क्योंकि उसमें और वाली दीदी चाहिए ठीक है। आज अयांश तो बहुत प्यारा रहा है अयांश, क्या बात है पैसा ना। सो गाइस चलो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अयांश बाय बोल दो, बाय बाय गाइस, थैंक्स। अब बोलो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग मेरा डांस देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करिए, आप डांस देखना है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ में शेयर भी कीजिए वीडियो को।